केंद्र शासित प्रदेश दादरनगर हवेली में 2 अगस्त को 67वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया गया। पुर्तगालीन शासन की गुलामी से आजाद होते हुए सन 1961 में दादरनगर हवेली का भारत में समावेश हुआ। इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर सिलवासा कलेक्टर कार्यालय के पास में कलेक्टर संदीप कुमार ने ध्वजावंदन करके प्रदेशवासियों को मैसेज दिया। एवं हाल में चल रहे कोरोना वायरस की महामारी बीमारी के दरमियान सोशल डिस्टेंस एवं नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के विकास के बारे में लोगों को अवगत करवाया। सिलवासा एवं दादरानगर हवेली के अग्रणी नागरिक फ्रीडम फाइटर्स, आप सभी को 67वें दादरानगर हवेली के मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज ही के दिन 66 वर्ष पूर्व दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा शहर की आजादी के साथ इस प्रदेश में पुर्तगाली सत्ता का अंत हो गया था। सेनर लुइस डी गामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर फ्री दादरा नगर हवेली की स्थापना की थी। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जहां भारत देश की आजादी सन 1947 में प्राप्त हुई थी, वहीं यह प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली सन 1954 में अपनी आजादी प्राप्त कर पाया था। इस अवसर पर दादरानगर हवेली के सांसद मोहनलाल डेलकर, सिलवासा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रमन काकवा वगैरह उपस्थित रहे थे। लेकिन इस समारोह में प्रदेश के सांसद मोहन डेलकर कुछ नहीं बोले, जिसके ऊपर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों सांसद मोहनलाल डेलकर अपना उद्बोधन नहीं दिया? क्या उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया या खुद मोहन डेलकर कुछ बोलना नहीं चाहते थे, जिसके ऊपर सिलवासा एवं प्रदेश के आसपास के विस्तार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इतने बड़े दिन के अवसर पर सांसद को लोगों को अपना मैसेज देना चाहिए। प्रदेश के विकास एवं प्रदेश की समस्याओं को अवगत करवाना उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण प्रदेश में एक बार फिर स्वतंत्रता के दिन पर सांसद कुछ नहीं बोले की बात सभी जगह पर गूंज रही है। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।